हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना विजय जैन वॉइस ट्रेनर आपके सामने है। दोस्तों, आज कुछ डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं तबला बजा रहा हूं। तो ये जो तबला वादक विजय जैन है, ये आपको एक ज्ञान देने आया है, अपनी आवाज को सही करने का, अपने डर को हटाने का एक तरीका बताने आया है। दोस्तों, आपने नोट किया हुआ कि जैसे ही मैंने तबला बजाना शुरू किया अपनी हथेलियों से, ये कड़ा बार बार नीचे आ रहा था। मैं इसे बार बार ऊपर कर रहा था, फिर तबला बजा रहा था, ये कड़ा फिर नीचे आ रहा था। मैं लगातार इसको हटाता रहा, तबला बजाता रहा, अपनी मस्ती में झूमता रहा। लेकिन जब एक कड़ा बार 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 नीचे आ रहा था, तो मैंने अपनी तबले की स्टाइल को, थाप की स्टाइल को चेंज कर दिया। मैंने हथेली के बजाय अंगुलियों से बजाना शुरू कर दिया। ये कड़ा नीचे आया, लेकिन चूंकि हाइट ज़्यादा थी इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाया, मेरे मस्ती के बीच में नहीं आ पाया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हमारे मन का डर बार बार बीच में आ जाता है। हम उस डर को किसी भी तरीके से हटाते हैं, फिर बात करते हैं, थोड़ी देर तक सही बोल पाते हैं, फिर वो डर बीच में आ जाता है। इस ढंग से डर बार बार बीच में आता रहता है, कभी थोड़ी देर में, कभी ज्यादा देर में, पर बीच में आता ही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम बात करने की स्टाइल ही चेंज कर दें, हम बोलने का एक नया अंदाज बना लें, तो ये डर बीच में नहीं आएगा, और आएगा भी तो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, हमारे बोलने में व्यवधान या अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैंने वैसे भी अपने एक वीडियो में कहा है, वो गुरु मंत्र, कि आपको चेहरे पर हंसी रखनी है और बोलने का एक अंदाज बनाना है। इसीलिए मैंने कहा था कि अच्छी आवाज का राज चेहरे पर हंसी और बोलने का नया अंदाज, अच्छी आवाज का राज चेहरे पर हंसी और बोलने का नया अंदाज। तो हमेशा आपको चेहरे पर स्माइल रखनी है, मुस्कान रखनी है, क्योंकि डर और मुस्कुराहट का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जो पहले सीट बुक कर लेगा, दूसरा नहीं आ पाएगा। जगह एक है, कुर्सी एक है, बैठने वाले दो हैं, एक डर और एक मुस्कुराहट। तो जो पहले आके बैठ जाएगा, दूसरे को जगह नहीं मिल पाएगी। अगर आप बोलते वक्त डर गए तो मुस्कान आपके चेहरे पर नहीं आ पाएगी, और अगर आप पहले मुस्कुरा गए तो डर आपके चेहरे पर नहीं आएगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है मुस्कुराहट का, हमेशा हंसते रहना है, और दूसरा अपने बोलने का एक नया अंदाज बनाना है जिसमें आपको डर कम से कम लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है दोस्तों, इन दो तरीकों को अपने लाइफ में अपनाइए, आपको ये हकलाहट की, ये डर की समस्या कभी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।